एक समय था कि भारत में अराउंड 5 से 10 हिंदुस्तानी स्मार्ट ब्रांड्स अपने फोन बेचते थे, और 2023 ये हो गया कि ले देखे दो ही ब्रांड जिंदा थे। एक था माइक्रोमैक्स जो कि फोन लॉन्च नहीं कर रहा था, और दूसरा था लावा वो फोन लॉन्च कर रहा था, और बाकी सबने तो इंडियन मार्केट को गुड बाय कह दिया जितने भी हिंदुस्तानी ब्रांड्स थे। तो आज का रिपोर्ट कार्ड है लावा का, कैसा रहा 2023 उनके लिए, और इसे मेरा साथ देने वाले हैं अजय और अभिषेक। सो सबसे पहले तो जैसे हम हमेशा बात करते ही हैं, नंबर्स की बात कर लेते हैं। इस साल उन लोग ने 10 फोन के मॉडल्स लॉन्च किए और सब वेरिएंट्स मिला के 11, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने जितने भी फोन लॉन्च किए ऑलमोस्ट 90% डिवाइसेस वर अंडर 15K, पर एक डिवाइस जो था वो अबाउट अराउंड 25K के आसपास था, उससे कम था। प्राइस मतलब पूरा बजट में प्ले किया। अजय आपको क्या लगता है कि इस साल लावा ने क्या अच्छा काम किया? आई थिंक सबसे बढ़िया काम तो ये किया कि इस माहौल में जहाँ इतना कंपटीशन है चाइनीज ब्रांड से और ग्लोबल ब्रांड से और इंडियन ब्रांड्स बाकी जहाँ करीब करीब प्रैक्टिकली सारे ही एब्सेंट हैं, ये सर्वाइव किए और सर्व करके ग्रो किए। चाहे वो हम बोले कि बहुत छोटे बेस पे ग्रो किए, बट फैक्ट इज कि इस कंपेरेटिव मार्केट में सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। ये ब्रांड सर्वाइव कर पाया है बहुत बड़ी चीज। दूसरा आई थिंक ये बड़े क्लियर है कि इन्होंने कोई अपना ऐसे एम्बिशियस प्लान नहीं रखे कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है तो हमें कोई 25,000 का डिवाइस डालना चाहिए, 30,000 डिवाइस डालना चाहिए। इन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज को अपने स्ट्रेंथ या अपने स्ट्रेंथ में खेले, और वो स्ट्रेंथ में भी अभी भी मार्केट की परसेंटेज साइज बहुत बड़ी है, 15,000 के नीचे ऐसा नहीं कि बहुत छोटी मार्केट साइज है। उसके हिसाब से ये अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, ये करेक्ट सेगमेंट पे खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट के और इंडियन ब्रांड की करंट सिचुएशन के हिसाब से ये इनका जो प्ले है ये बिल्कुल करेक्ट प्ले है। बिल्कुल अभिषेक आपको क्या लगता है इस साल उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा था? इस साल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सॉफ्टवेयर अपडेट्स के रिगार्डिंग। सॉफ्टवेयर अपडेट्स रेगुलरली उन्होंने अपने हर फोन के लिए दिए हैं, एंड उसके लिए कम्युनिकेशन प्रॉपर रखा है ट्विटर पे जो एक्स हो गया, तो उस पर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहा है कि ये अपडेट नंबर है, ये अब रिलीज हुआ है, ये अब रिलीज हुआ है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे ध्यान दिया। यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हमेशा इंडियन ब्रांड्स का एसोसिएट किया जाता था कि फोन लॉन्च कर देते हैं फिर कंज्यूमर्स को भूल जाते हैं, अपडेट्स सही टाइम पे, सिक्योरिटी पैचेस हर मंथ रिलीज कर रहे थे, और जैसे फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, सोशल एक्स जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर अनाउंसमेंट भी करते थे कि भैया ये आ गया, अपने फोन को अपडेट कर लो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थे। इसके अलावा आपको डिवाइस साइड में कोई ऐसा डिफरेंट प्लस पॉइंट नजर आया? डिवाइस साइड में देखें तो जो एक फोन इन्होंने लॉन्च करा है अराउंड 21-22 हज़ार का, लावा अग्नि 2 5G जी, वो था क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा ये लोग फीचर्स दे रहे थे जैसे कर्व डिस्प्ले होगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो वो बाकी जो चाइनीज ब्रांड्स के फोन हैं उनके साथ बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहा था। राइट अच्छा आपको क्या लगता है ऐसा कि इनके मिसेस क्या रहे लावा के जहाँ पर ये थोड़ा फीका पड़ते नजर आए? आई थिंक अभी भी इनके स्ट्रेंथ्स हैं पॉकेट्स में, तो मेरे हिसाब से जो कमी है वो इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जो थोड़ा गैप्स हैं। अभी भी ये काफ़ी हद तक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे रिलाई कर रहे हैं, अभी भी शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स को, शायद कस्टमर्स को, कई कस्टमर्स को उतना इंडियन ब्रांड्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो आई थिंक इनको भी थोड़ा अपना मार्केटिंग एक्टिविटी को थोड़ा अप करना पड़ेगा जी, ताकि लोगों को इनके बारे में और इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में थोड़ा पॉजिटिविटी मिले, बिकॉज अभी तक जो न्यूज लोगों को मिलती है इंडियन ब्रांड्स के बारे में वो ज्यादा पॉजिटिव मिलती नहीं थी जी। तो अब नाउ दैट दिस ब्रांड इज ग्रोइंग और ये अच्छे प्रोडक्ट ला रहे हैं और रेंज भी अच्छी है और ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो आई थिंक अब ये टाइम आ गया है जहाँ इनको एंड कस्टमर तक भी ये मैसेज कन्वे करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ इनके वीक पॉकेट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के उन पॉकेट्स को एड्रेस करना पड़ेगा। राइट मुझे एक चीज लगता है कि यहाँ पर इनका कि लावा जब से ऑपरेट कर रहा है, सर बीच में थोड़ा सा चेंज हुआ था कुछ साल पहले जब लोगों ने एक ब्लैक करके सीरीज लॉन्च की थी, अपना एक सब ब्रांड लॉन्च किया था जिसमें काफी प्रीमियम फीचर्स देने की कोशिश की थी, और फिर एक ही साल में वो डिसकंटिन्यू भी हो गया। बजट इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आगे भी रहेगा, लेकिन अब इनको थोड़ा सा लैडर पर मूव अप करना चाहिए, कम से कम 30-35 वाले सेगमेंट में जहां पर ये एक्चुअल मायने में बाकी ब्रांड्स को टक्कर दे सके, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स इस टाइम ऐसे होंगे, इस सिवाय ट्रांशियन को अगर छोड़ दें बाकी सब ये
एंट्री लेवल 15,000 वाले सेगमेंट पे ज्यादा पुश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ट्रांशन एक ब्रांड ऐसा नजर आ रहा है जो काफी ज्यादा दम लगा रहा है। तो अगर ये चाहे तो वहां पर रियल टेस्ट इनका होगा कि जो बाकी ब्रांड्स हैं चाइनीज ब्रांड्स उनको ये टक्कर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। अभिषेक आपको क्या लगता है इनका माइनस पॉइंट क्या था? और माइनस पॉइंट सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ही है क्योंकि सॉफ्टवेयर में अपडेट्स तो बहुत अच्छे दिए लेकिन सॉफ्टवेयर में अभी भी काम की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट्स किसी और यूआई स्किन से बॉरवर्ड लगते हैं, कुछ फंटा चॉइस से, कुछ वन यूआई से, कुछ एक यूनिक आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर में उसकी अभी जरूरत है। यानी कि यूआई तो इनका काफी क्लीन है लेकिन वो मिली जुली सरकार लगती है और मिली जुली सरकार में आप जानते ही हैं कि क्या होता है कि खिचड़ी पकती है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बाहर नहीं आ पाती। लेकिन बहरहाल आगे बात करते हैं, इनके टॉप थ्री फोन साल के। अभिषेक कौन सा था इनका नंबर थ्री पे? नंबर थ्री पे था युवा 3 प्रो जी, अभी रिसेंटली दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है उसका और अच्छा फोन है, 4G फोन है बट स्टोरेज अच्छी दिया, 128GB दिया है, 8GB रैम दिया है, जहाँ मतलब उस सेगमेंट में ब्रांड मोस्टली 4GB 6GB पे आके रुक जाते हैं जी, बट इन्होंने 8GB रैम दिया, स्टोरेज अच्छी है तो अच्छा फोन था। राइट, नंबर टू पे कौन सा फोन था? नंबर टू पे Blaze 2 5G। 5G फोन्स की आजकल कमी नहीं है बट अगर वो उसमें ऑप्शंस और दे रहे हैं, ओवरऑल अच्छा फोन था, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, प्राइसिंग भी काफी अच्छी थी इसकी जो 5G के मामले में। और नंबर वन पे कौन सा था? नंबर वन पे जैसा कि मैंने बताया Agni 2 5G जी, ओवरऑल मतलब ऑलराउंडर फोन था वो, कैमरास में हाँ जरूरत थी थोड़ी बट बैटरी लाइफ हो गई, बिल्ड क्वालिटी हो गई, डिस्प्ले हो गई, सब कुछ काफी हद तक सेगमेंट के हिसाब से बहुत हाई क्वालिटी था। राइट right. और अभिषेक यहाँ पर तो ये भी बता सकते हैं कि ये एक लौता ब्रांड होगा जिसके एक्चुअली हमने सबके सब फोन रिव्यू किए हैं क्योंकि बाकियों में इतने ज्यादा लॉन्चेस होते हैं, इनके लॉन्चेस भी कम थे और डिवाइस भी हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस आ चुका था, तो हमें एक्चुअल में मालूम है उन्हें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आते थे, जब हम सॉफ्टवेयर का कहते हैं वो हमारे फोन में भी नजर आता था। अच्छा चलते चलते आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट कंज्यूमर्स लावा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे, दिख रही है आपको? नहीं, मैं मतलब मैं उसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ कि वाइल इट इज़ गुड टू बी एस्पिरेशनल कि आप अपने प्राइस लेडर में ऊपर जाएं, बट मेरा ये मानना है कि वहाँ जाने के पहले अपने आप को जो सेगमेंट में आप स्ट्रांग है या जो सेगमेंट दूसरों, एक तो सेगमेंट अभी छोटी नहीं है 15,000 की जी, दूसरे आपने जैसा बताया कि ब्रांड्स एग्जिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट टेक्नो काफ़ी ब्रांड एग्जिट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक इनडायरेक्टली लावा के लिए एक स्पेस है टू स्टैम्प देयर फुट। 2024 में कोई शॉकर नहीं नजर आएगा लेकिन ये नजर आएगा कि जो कर रहे हैं वो उसको थोड़ा बेटर तरीके से करें क्योंकि थोड़ा किया है, थोड़ा और करने की जरूरत है, थोड़ी चीजें सुधारी हैं लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के रिपोर्ट कार्ड में, मुझे अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत।